हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद्यालोक सिंह राजपूत में। 3 अप्रैल 2019 को सभी केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 7वें वेतन आयोग की एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आई हूँ, जिसमें पे कमीशन आपका, जिसमें आपका प्रमोशन और जिसमें आपका नेक्स्ट जो पे कमीशन होगा यानी 8वां पे कमीशन होगा, उससे रिलेटेड, तीनों से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ है। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए हमारे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं न्यूज़ पर। oneindia.com की ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं 3 अप्रैल की ये न्यूज़ है। न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट द ईयर सो फार हैज़ बीन अ डिसअपॉइंटिंग वन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेयर द 7th पे कमीशन इज कंसर्न्ड। The big question looking ahead is, will there be any more pay commissions in the future if the government that comes to power next decide to do away with this concept? Then the big question is, how will the pay hikes of the central government employees will be decided? Representational image. A top sources in the government informed One India that irrespective of which party comes to power, there would be no pay commission determining pay hikes anymore. The officer said that the pay hikes would be reviewed on the date available based on the price index. This would mean that the pay hike would be reviewed more frequently rather than waiting for 10 years, known as the accrued formula. The salaries from now onwards would be reviewed after taking into consideration the changes price of commodity that constitute a common man's need. The review of the same would be done by the Labor Bureau at Simla. The review would take place more frequently based on the prices, etc., as a result of which the price hikes would be more frequent. Further, the revision would take place on a yearly basis, taking into consideration the inflation that year. Further, when it comes to promotions, this year would also witness a new rating system. As per this, the government would rely on public feedback to grant promotions. A grading system was prepared and 80% of the weightage would be on public feedback for promotions. The accrued formula would incidentally be very beneficial for the central government employees as the hikes would be reviewed more frequently. It may be recalled that the central government employees were extremely upset with the recommendations of the 7th pay commission. वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि अब आपका oneindia.com की वेबसाइट के अनुसार के अकॉर्डिंग अब आपका नेक्स्ट पे कमीशन नहीं आएगा। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, अब होगा क्या, आपका आपका हर साल जैसे आपको पता है लगभग 10 साल में आपका एक नेक्स्ट पे कमीशन आता है, लेकिन अब आपका जो पे कमीशन नेक्स्ट पे कमीशन होगा वो यानी 8वां पे कमीशन जो भी होगा वो नहीं आएगा। अब उसकी जगह पर हर साल आपको एक प्राइस इंडेक्स के हिसाब से आपकी सैलरी को, बेसिक सैलरी को आपको इनक्रीज़ किया जाएगा, और इसी के साथ साथ आपको प्रमोशन में भी आपका जो पब्लिक डीलिंग वाले डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं उनको आपका, उनकी जो पब्लिक फीडबैक होगा उसका उसका आपके प्रमोशंस में जो आपका प्रमोशन होगा उसमें आपका पब्लिक फीडबैक के आधार पर होगा, जिसका पब्लिक फीडबैक आपका 80% वेटेज होगा, उसी का अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है प्रमोशंस भी होगी। और जिस फॉर्मूले के तहत अब जो प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपकी चेंज होगी उसको एक्रोइड फॉर्मूला दिया गया है। तो यही पूरी न्यूज़ थी, आपको मैंने डिटेल में भी बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा आप क्या समझते हैं इस फॉर्मूले के बारे में और इस ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में।